बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशनशिप और चैप्टर नंबर 22 है सेकंड ईयर बायोलॉजी। बेटा जी सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर है 22 और हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशनशिप। बड़ा जी डोमिनेंस रिलेशनशिप जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे। आपको पता है कि डोमिनेंस का मतलब है गालिब आ जाना और रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को। तो डोमिनेंस रिलेशनशिप बेसिकली एक इस किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें एक अलील फिजियोलॉजिकली दूसरी अलील यानी अपनी पार्टनर अलील के ऊपर गालिब आ जाती है, डोमिनेंट हो जाती है। फिर बता रहा हूँ कि जब एक अलील फिजियोलॉजी आप बोलते हैं कि वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो वर्किंग ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो वो वर्क करने के लिहाज से जब अपनी पार्टनर अलील के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो डोमिनेंस रिलेशनशिप है। तो चार तरह के हम डोमिनेंस रिलेशनशिप पढ़ते हैं, फोर टाइप्स चार तरह के हम डोमिनेंस रिलेशनशिप पढ़ते हैं। एक हम जिक्र करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, एक हम जिक्र करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर हम एक जिक्र करते हैं ओवर डोमिनेंस, तो यहां पे हम बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस का ही ज्यादा जिक्र करेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस एक और है इसमें जिसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो यहां पे हम फिलहाल कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दो का जिक्र करेंगे आज। तो बेटा जी कंप्लीट डोमिनेंस जिसमें मुकम्मल जो है एक अलील जो है वो अपनी पार्टनर अलील के ऊपर अपने आप को जाहिर कर देती है, इनकम्प्लीट में वो अपने आप को मुकम्मल जाहिर नहीं करती। तो कंप्लीट डोमिनेंस जो है इसमें अगर हम रिलेशनशिप देखें तो आप गौर कीजिए कि अगर कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर का हम डिस्कस करें, इस तरह से इसकी स्टडी करें, तो कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर। आपको पता है कि कोई एक जीन जो है जहाँ पर मौजूद होता है उसको लोकस बोलते, और वो जो लोकस है वहाँ पर हर जीन का एक पार्टनर मौजूद होता है, हम उसको आपस में अलील बोलते। एक जीन की जो एक जीन का जो पार्टनर होता है उसे हम कहते हैं ये अलील है। तो ये दोनों बेसिकली ये पेयर ऑफ जीन है इस वक्त, लेकिन आपस में ये क्या है, ये आपस में अलील्स भी हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, ये स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है। स्मॉल आर क्या है, ये रिसेसिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने पार्टनर ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी एक अलील एक जीन जो है सॉरी वो अपने पार्टनर के ऊपर जब गालिब आ जाता है और दूसरे को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, छिपा देता है, उसको हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ठीक है जी। अगर ये हेटरोजाइगस है तो ये भी अगर हम स्टडी करें ना, ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये राउंड है, लेकिन ये हेटरोजाइगस है। इसी तरह से ये कंडीशंस क्या है, ये वाली होमोजाइगस है, लेकिन ये भी राउंड है, ये भी राउंड है।
ये हेटरोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस राउंड है। इधर कैपिटल आर ने अपने आप को शो किया और डोमिनेंट हो गया, इधर दोनों ने अपने आप को शो कर दिया, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते 1899 आप बोलते साइंटिस्ट थे कॉर्न कॉरन्स साथ थे कोई, इन्होंने स्टडी की एक प्लांट की, उस प्लांट का नाम है फोर ओ क्लॉक। इन्होंने प्लांट की स्टडी की फोर ओ क्लॉक की, तो उस प्लांट में इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बताया। इन्होंने दो तरह के फ्लावर को यूज किया, फोर ओ क्लॉक थे, दो कलर के फ्लावर यूज किए, एक वो था जो कि रेड था रेड, और एक दूसरा जो इन्होंने यूज किया वो था जी वाइट। जो रेड फ्लावर था इसकी जो जीनोटाइप थी वो R1 थी, जो वाइट था इसकी जीनोटाइप जो है वो थी जी R2 इस कंडीशन में शो किया। देखिए ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन जब इनका क्रॉस करवाया इसमें तो क्या हुआ, डेफिनेटली इधर से एक R आएगा, इधर से दोनों में से कोई एक आएगा, तो क्या हुआ जी R1, और दूसरी तरफ से भी दोनों आर में से एक आर आएगा R2। तो ये जो नया पौधा बना है या फिर नई जो जनरेशन बनी है इसको आप बोलते हैं ये F1 जनरेशन है, ये P1 था, फर्स्ट फीलियर जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है, फर्स्ट फीलियर जनरेशन है। ये जो नया प्लांट बना इसका कलर ही कोई और था, इसका जो कलर था जी वो था पिंक, यानी यहाँ पे कैपिटल आर जो R1 है उसने भी अपने आप को शो किया और कैपिटल R2 जो है उसने भी अपने आप को शो कर दिया, तो दोनों ने अपने आप को हाफ हाफ शो किया है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर कॉरन्स साहिब ने क्या किया, इन्होंने ये जो F1 था जो पिंक था इसका क्रॉस F1 के साथ करवाया। क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया जी F1 क्रॉस F1, इन्होंने इनका आपस में क्रॉस करवाया। जब आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या ग्राफ असर हुआ, तो हमारे पास क्या जो है वो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हम बताते हैं। कॉरन साहब ने इनका आपस में जब क्रॉस करवाया, कॉरन साहब ने कहा जी कि R1 था और इसके साथ R2 था, और यहाँ पे भी इसी तरह से इसने यहाँ पे किस चीज़ को रखा, R1 को और R2 को, R1 और नंबर 2 पे है जी R2। इनका जब आपस में क्रॉस करवाया तो क्या इनकी जो इनका रिजल्ट आया वो ये वाला था जी, डेफिनेटली R1 और यहाँ पे क्या था जी R1 R2 था R2, और यहाँ पे R2 R1 था, और इधर जो था ये था जी R2 R2। ये इसके पास रिजल्ट आ गया, इसको इसने कहा कि ये फीमेल है, इसको इसने कहा दिया कि कह दिया कि ये मेल है। इनका आपस में जब क्रॉस करवाया F1 के साथ क्रॉस करवाया, तो देखिए ये जो इसके पास असर हुआ है कैपिटल R1 R1, ये तो वही है जो कि रेड था, तो ये था जी रेड, और R1 R2 डेफिनेटली जो यहाँ पे क्या था पिंक, तो ये पिंक बन गया। यहाँ पे जो R1 था रेड वाला और R2 जो था वाइट वाला, दोनों ने अपने आपको शो कर दिया, यहाँ पे भी ये पिंक बन गया, और इस कंडीशन में ये क्या बन गया वाइट। हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये वाइट है, R2 R2 जो है ये वाइट है, तो क्या रेशियो आ गई, इसने जो रेशियो को ऑब्जर्व किया वो थी 1:2:1। 1 क्या था रेड,
टू क्या था इसके पास? पिंक, और फिर वन क्या था जी? व्हाइट। इससे इसने ये शो किया कि जो इसकी आगे वाली नस्ल बनी है उस नस्ल में इसने बताया कि दो पिंक बन गए, जो के दो पिंक बने जिन्होंने दोनों ने अपने आप को आर वन और आर टू दोनों ने अपने आप को शो किया, जबकि जो रेड बना वो होमोजाइगस था और जो व्हाइट बना वो भी होमोजाइगस था। ठीक है जी। तो अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको आंसर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।